हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रिचा। मैं आज आपको पॉन्ड्स क्रीम के, पॉन्ड्स कोल्ड क्रीम के 5 यूजेस बताऊंगी, जो कि बहुत ही अच्छे और बहुत ही करने वाले हैं। तो आपको अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। पहला यूज, अगर आपके हैंड बहुत ज़्यादा फटे होते हैं, आपके बॉडी बहुत ज़्यादा फटी फटी सी, ड्राई ड्राई सी रहती है, तो उसके लिए पॉन्ड्स क्रीम को थोड़ा सा लीजिए और अपने हैंड पर ऐसे मल के इस तरह से अप्लाई कर लेंगे तो आपकी ड्राइनेस बिल्कुल दूर हो जाएगी। अगर आपके पास लोशन नहीं है तो इसका यूज़ आप कर सकते हैं। सेकेंड यूज़, अगर आपके बाल फ्रिजी हैं, अगर ऐसे उठे हुए हैं, खड़े खड़े रहते हैं, तो उसके लिए हम पॉन्ड्स क्रीम को थोड़ा सा अपने हैंड पर लेंगे, इस तरह से मैं ले लूँगी, और फिर थोड़ा सा इसमें रोज़ वाटर ऐड करूँगी, हल्का सा लेके, और अपने बालों पर ऐसे लगा लेंगे तो आपके बाल खड़े नहीं रहेंगे और मैनेज हो जाएंगे। तीसरा यूज, अगर आपके लिप्स बहुत ज़्यादा फटे रहते हैं, ड्राई रहते हैं, बहुत लाइनिंग है आपके लिप्स पर, तो आप क्या करें, और आप कोई वो लगाते हैं लिक्विड वाला कलर लगाते हैं, जैसे लिक्विड लिपस्टिक लगाते हैं, तो उसको कैसे रखें, तो इसके लिए आप थोड़ी सी पॉन्ड्स क्रीम को लेंगे और अपने लिप्स पर 10 मिनट के लिए लगा देंगे इस तरह से। टेन मिनट्स इसको लगा के रखेंगे, उसके बाद आप कोई भी लिप कलर, लिक्विड लिप कलर, क्योंकि ये अगर लिप कलर लगाते हैं तो हमारे होंठ पर लाइनिंग आ जाती है, ड्राई हो जाते हैं, और जब हंसते हैं तो ड्राई ड्राई सी फीलिंग होती है। तो जब हम लोग इसको लगा लेंगे पॉन्ड्स क्रीम को, उसके बाद हम ये लिप कलर लगाएंगे, तो आपके लिप्स बहुत ही हाइड्रेट रहेंगे और लाइनिंग जो बनती है वो नहीं बनेगी। फोर यूजेस, अगर आपके नेल्स के पास क्यूटिकल निकले हुए हों, उसके लिए हमें क्या करना है, आप रात को अगर ये बहुत ज़्यादा निकले हैं, बहुत दर्द है आपके हैंड्स के क्यूटिकल्स पर, तो आप 10 मिनट्स के लिए ऐसे पॉन्ड्स क्रीम को मल लीजिए, ऐसे आप मालिश करेंगे 10 मिनट्स के लिए और सो जाइए। फिफ्थ यूजेस, अगर आपकी एड़ियाँ बहुत फटी हुई हैं तो हम ये यूज कर सकते हैं। एड़ियों पर पहले कोल्ड क्रीम लीजिए आप पॉन्ड्स की, और इसको आप इस तरह से लगा सकते हैं। ये 5 यूजेस हो गए। अगर आपने काजल लगा रखा है और आपके पास रिमूवर नहीं है, ये एक्स्ट्रा हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये अगर आपके पास रिमूवर नहीं है और काजल आपका बहुत बड़ा, बहुत फैला हुआ है, और आपने फेस वॉश भी कर लिया है, तो आप इसको किस तरह हटाएंगे, तो थोड़ी सी कोल्ड क्रीम लेंगे और कॉटन पर लगा लेंगे, इस तरह से लगा लेंगे, और थोड़ी देर के लिए हम ऐसे आईज पर रखेंगे, थोड़ा ऐसे ऐसे करते रहेंगे, और ऐसे एक ही स्वाइप में आपका काजल निकल जाएगा। तो गाइस, आप लोगों ने देख लिए पॉन्ड्स क्रीम के यूजेस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा वाला अच्छा लगा है। मैंने नंबर 5 बताए हैं, 6 तक बता दिए, आपको जो अच्छा लगे तो आप उनमें से कोई एक भी बताइएगा कि आपको कौन सा सबसे अच्छा टॉप टॉप पर लगा है, टॉप नंबर पर आपके लिए है।
तो ये आप मुझको जरूर बताइए और शेयर जरूर कीजिएगा, और ये बिल्कुल फ्री होता है। आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए कि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको पता चल जाए। ओके गाइस, बाय।